हमेशा लोगों के हकों की आवाज़ बुलंद कर सरकार दीयां नीतियां ते खास नज़र देखो हर खबर अपडेट पंजाब न्यूज़ ते। हाँ जी भाजी, आज जरा रोड जाम किया, कारण बनया रोड जाम का? कारण यह कि 27 तरीक दिन ऐतवार को कठार अड्डे विखे एक एक्सीडेंट होया, एक मोटरसाइकिल, एक प्राइवेट गड्डी, एक एयरफोर्स की गड्डी। जी प्राइवेट की गड्डी हैगी वो फेट में आ के साडा एक साल कमार का नौजवान मुझे डैथ हो गई मौके उत्ते, वो डैडी की लत टुट गई, एक होर नौजवान की लत टुट गई, और जड़िया एक बिल्कुल ब्लाइंड आ, एक मर गया, एक ब्लाइंड आ, दो जगह तो फ्रैक्चर आ, जो मुंडा मरिया वो बाप की लत टुट गई। पर अफसोस वा दुख वा कि 27 तो लैके अज तक आदमपुर की पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं किया, जबकि उत्थे लोकल अड्डा निवासियों ने गड्डिया भी पुलिस को फड़ाइया, बंदियों के नाम भी दिते आ, और अज पुलिस ने बुलाया कि तुहाडा राजीनामा कराते हैं। राजीनामा कराने के बहाने सानू अंदर बिठाल के जिन्हों का बच्चा मरिया आ, जिन्हों के पेशेंट इंजर्ड हो गए वो अंदर बैठे आ, ते जिहड़े दोषी आ वो थाने भजा दिते गए। लोगों च रोह आ, सारे इलाकों मछिया रोह आ, क्योंकि एक नौजवान की जिहड़ी मैच 18 साल की उम्र ओहदी मौत हो गई आ, और एक बच्चा ब्लाइंड, दोनों लत्तां टुट गई, जिहड़ा लड़का मरिया दे बाप दी लत्तां टुट गई, लोगों के रोह आ, और साडी चेतावनी आदमपुर पुलिस नूं वी जे पुलिस ने चंद मिंटां दे विच ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? ਪਛਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਾਣੇ ਲਿਖਾਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਆ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਰੋਕਦਾ ਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ
मेरे मुंडिया बचा लो ये गल कही सानू चिट्टी गड्डी आला मार के नठ गया ओनू नी पता भी अहीं कहां रोक लिया कहिंदा चिट्टी गड्डी आले ने इदां गया।